नमस्कार, मैं नीलेश। तो आज हम जाने वाले हैं गंगा ब्रिज यानी कि ब्यासी वाले पुल पे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप जुड़े रहें हमारे साथ बलिया वाले के साथ। तो चलिए चलते हैं। हम आ चुके हैं ब्यासी ढाला चट्टी पे और अभी हम खड़े हैं NH-31 गाजीपुर हाजीपुर रोड पे और यहाँ से हम जाने वाले हैं पुल के संपर्क मार्ग होते हुए सीधे पुल पर। फिलहाल पुल के अप्रोच का कंस्ट्रक्शन का काम अभी चल रहा है। देखने में ये पुल जितना खूबसूरत दिखता है उससे कहीं ज़्यादा इसकी खासियत है। 2.5 किलोमीटर लंबा यह पुल मात्र 25 पायों पर खड़ा है और फिलहाल ये भारत का दूसरा सबसे लंबा एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज है। एक्स्ट्रा डोज्ड ब्रिज कंक्रीट बॉक्स गर्डर और केबल दोनों के कॉम्बिनेशन के हाइब्रिड स्ट्रक्चर के ब्रिज होते हैं। इस तरह के ब्रिज में पायों की संख्या कम होती है। दरअसल इस प्रकार के ब्रिज का डिजाइन ऐसे किया जाता है जिससे पर्यावरण पर कम से कम प्रभाव पड़े, साथ ही इसके टावर की ऊंचाई अन्य केबल ब्रिजों से काफ़ी कम होती है। अगर आप इस ब्रिज के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल जानना चाहते हैं तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम के अंतर्गत इसके कंस्ट्रक्शन का काम दो कंपनियों SP सिंगला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड और अरविंद टेक्नो इंजीनियर को दिया गया था। खास तौर पर इस ब्रिज का लाभ शिवपुर दियारा जमी कल्याणपुर परानपुर जैसे गांवों के लोगों को हुआ। इस ब्रिज के बनने से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी मात्र 12 से 15 किलोमीटर में सिमट गई। जब यह ब्रिज नहीं था तब यहाँ के आसपास के गांवों के लोगों को अगर बलिया जिला मुख्यालय जाना हो या बलिया में किसी और काम से जाना हो तो वह या तो पीपा पुल से जाते थे जो कि काफ़ी जोखिम भरा था, या फिर वह नाव के सहारे नदी पार करके जाते थे। और इसके अलावा वह बक्सर होकर 70 से 80 किलोमीटर की दूरी तय करके उन्हें जाना पड़ता था। इस ब्रिज के दोनों ओर के आसपास के क्षेत्र में नई नई दुकानें खुल रही हैं जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिल रहा है। पुल बनने से रोजगार सबको मिल गया है, जमीन का भी भाव बढ़ गया है, इस पार उस पार आने जाने का सबको सुविधा भी हो गया है। और पुल बनने से सब भी जितनी भी शूटिंग होती है इधर का यहीं पे होती है शूटिंग, सभी
फिल्म इंडस्ट्री के में यहाँ सब आते हैं, जाते रहते हैं सब लोग, और सब नाश्ता पानी की भी दुकान खुल गई है यहाँ पे। पहले पीपा पुल थी, आने जाने में सुविधा होती थी, इस पार से उस पार लोग नहीं जाते थे, आते थे। लगभग 4 अरब की लागत से बने इस ब्रिज का सिर्फ बलिया ही नहीं, बिहार से सटे कई शहरों को इसका लाभ मिला। इसके साथ ही इस पुल के बनने से गंगा नदी के दक्षिण में बसे कई गांवों को शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और रोजगार जैसी अन्य जरूरतों में काफ़ी मदद मिली। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।